एक्चुअली मैम आई हैव अ क्वेश्चन आपने भी कुछ सिम्टम्स बताए थे दोजू आर गोइंग फ्राम द स्ट्रेस सिचुएशन एंड आई एम आई थिंक मेरे में वो कुछ सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं एंड uh, मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे एज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक वन आवर का है तो वो मुझे कवरअप करने में ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव आवर्स लग रहे हैं या दो घंटे भी लग जा रहे हैं सो so, uh, मैं इस सिचुएशन को कैसे कोपअप करूँ क्या मुझे किसी से किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ कोई आसपास है भी नहीं तो मुझे खुद से ये सिचुएशन कैसे कोप अप करना चाहिए चलो मुस्कान मैं आपको लेता हूँ मेरे अपने मंच पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं आपके प्रश्नों को आ,

हम सुसाइड को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको एग्जाम्पल देना चाहूंगा इवन हम अगर फाइव स्टार रेटिंग कार लेते हैं या एस लेते हैं विदआउउट एयर फिर भी हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते तो वो उस चीज को समझना होगा हमें कि हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं या कहाँ पर हो और जैसे एक ने कहा था कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए तो तो मैम ने मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स बता दिए तो उसमें वो हर चीज को आपको देखना पहले की तुलना में पहले की तुलना में क्या वो हंस रहा है पहले की तुलना में क्या वो बात कर रहे हैं तो मैम ने तो एक एक चीज बताया मैं उसमें एक लाइन और ऐड करूंगा कि आपका अगर फ्रेंड में है या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव जो भी है अगर वो पहले सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे या कोई मैसेज पे फोटो पे कमेंट करते थे अब लग रहा है मुस्कान जी को परिचय करा देता हूँ मुस्कान ये डॉक्टर शशिकांत राजपूत है रायपुर में काफी फेमस है और आप साइकेट्रिस्ट है यहाँ पर लीडिंग साइकेट्रिस्ट है चलिए सर मुस्कान जी वही हैं जिन्होंने बिहार से क्वेश्चन पूछा था नालंदा से शायद स्टूडेंट है हाँ और उनको पढ़ाई पढ़ाई में दिक्कत होती है जी। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले ये चीज है कि आप आपका लक्ष्य क्या है आप किस चीज की, की तैयारी कर रहे हैं पहले आपको उसको देखना होगा अगर आपका लक्ष्य मतलब मान लीजिए नीट है यूपीएससी है कोई भी चीज है तो आप उस लक्ष्य के पीछे एकदम से जी जान से लग जाइए अगर आपको लक्ष्य एकदम क्लियर है तो आपको ना नींद आएगी ना आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग होगा बट डिस्पाइट डिस्पाइट ऑल दिस हमारा लक्ष्य कभी कभी भटक जाते हैं हम लक्ष्य से या मार्ग से हटने लग जाते हैं तो उसका मतलब है कहीं कही ना कहीं हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम स्टूडेंट uh, हैं और हम दिन रात पढ़ाई करें तो हमारा डाइट और न्यूट्रिशन कैसा है तो हमें एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन की भी उतनी आवश्यकता है और कभी आपको अगर लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है तो आप जबरदस्ती मत बैठिए पढ़ने जिस समय आपको लगता है कि ये मेरा टाइम है और अब मुझे पढ़ना है उस समय आप पढ़िए और कभी जैसे हम पूरे 24 फोर आवर्स डे नहीं पढ़ सकते चाहे हम कोई भी आई आई टी नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उस समय के लिए खासकर जब हम लंच करते हैं लंच करने के बाद हम सबको थोड़ी सी नींद आती है वो एक टाइम होता है या इवनिंग टाइम होता है जब हमें लगता है कि हम थोड़ा सा पढ़ाई ना करें तो उस समय के लिए आपको एक ब्रेक लेने के लिए जो आपकी क्रिएटिविटी है जो आपकी हॉबी होगी मान लीजिए म्यूजिक है सिंगिंग सॉन्ग है रीडिंग नॉवेल है या कोई भी चीज एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी है आपको उस पर फोकस करना होगा पार्ट फ्रॉम रीडिंग योर टेक्स्ट बुक या सिलेबस के अलावा आप पाँच दस मिनट या आधा घंटा आप अपने हॉबी को टाइम दीजिए चाहे चाहे उसमें गार्डनिंग हो चाहे जो भी हो तो जितना हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं वो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोपेस है हैं उसको और ज्यादा डेवलप करते हैं वो अपने आप में स्ट्रेस बस्टर होते हैं तो जितना आप इन चीजों को फॉलो करेंगे उतना आपका ब्रेन ग्रो करेगा कभी हमको लगता है कि आ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो या वो आगे निकल जाएगा वो आगे निकल जाएगा पर ऐसा नहीं है कभी कभी जब हम रुकते हैं या ब्रेक लेते हैं तो उससे हमारा माइंड कहीं ना कहीं ग्रो करता है तो जब आप रुकते हो जब आप ब्रेक लेते हो तो उसको आप ये मत सोचिए कि मैं रुक गई हूँ मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं वो आपका ब्रेन रिलैक्स लेने के लिए रिलैक्स करने के लिए